आप सभी का सुभाष सर साइंस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। मस्ती के साथ साथ छुट्टियों में अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए, आज का लेक्चर बहुत ही खास, अंत तक बने रहना वीडियो में, तभी पूरा टॉपिक आपके समझ में आएगा। चैनल पर नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी लास्ट में शेयर करना, लाइक अवश्य करना। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आपके सामने पांच बहुविकल्पी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों में चार विकल्प हैं, इन चार विकल्पों में कोई एक विकल्प सही है और वो एक विकल्प तीनों में यही क्यों सही है, ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन करके हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज आपके लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपका ध्यान बिल्कुल और बिल्कुल लेक्चर पर होना चाहिए। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पौधे की मोटाई, जो पौधा होता है देखते हैं पतला होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसका तना मोटा होता जाता है। तो पौधे की मोटाई में वृद्धि किसकी वजह से होती है? आपके सामने भी पौधे होंगे, पेड़ पौधे आप देखते हैं धीरे धीरे पतले रहते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, मोटे होते हैं। क्या कोई जादू हुआ? नहीं। किसके कारण ये मोटे होते हैं? आइए देखिए विकल्प। विकल्प आप पे है, फ्लोएम, जाइलम, रेसे और कैम्बियम। फ्लोएम, जाइलम, रेसे और कैम्बियम, ये चार विकल्प है। तो फ्लोएम, जाइलम ये संवहन बंडल है, पहुंचाने का काम करता है, इससे कोई मतलब नहीं। रेसे इसको मजबूती प्रदान करते हैं। तो जो चौथा विकल्प डी वाला है, कैम्बियम से, तो पौधे की मोटाई में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? कैम्बियम के द्वारा होती है, कैम्बियम के कारण होती है, कैम्बियम से होती है। तो कौन सा विकल्प सही है? लास्ट वाला, डी वाला जो आपका है, ये कैम्बियम। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे कि पौधे के जो ये तने होते हैं इनमें मोटाई जो आती है, जो मोटाई में वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, तो आपका जवाब पहली बार में ही होना चाहिए कि पौधे में जो मोटाई होती है, इस मोटाई में वृद्धि कैम्बियम के कारण होती है। किसके कारण होती है? कैम्बियम के कारण होती है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न पे। तंत्रिका ऊतक का कार्य, आपको पता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका ऊतक जो आपका नर्व टिश्यू होते हैं, इनका क्या कार्य है आपके शरीर में? इनका आपको पता है ये सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं, संवेदनाएं ग्रहण करती हैं। तो आपको पहला ही विकल्प देख लें, पहला ही विकल्प क्या है? संवेदना ग्रहण करना। दूसरा है उत्तेजनशीलता, जनन गति। तो इसमें सबसे पहला विकल्प सबसे सही है, आपका संवेदनाओं को ग्रहण करने का कार्य हमारा नर्व टिश्यू करता है, नर्वस टिश्यू करता है, तंत्रिका ऊतक करता है। तो इसमें हमारा तंत्रिका ऊतक कौन सा कार्य करता है? ए वाला विकल्प सही है, संवेदनशीलता ग्रहण करना, संवेदना को ग्रहण करना, ये हमारा तंत्रिका ऊतक का कार्य है। ए वाला विकल्प सही है, संवेदना को ग्रहण करना। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है? विकल्प है एक्टिन, मायोसिन, एटीपी, सभी से। एक्टिन, मायोसिन, एटीपी और चौथा विकल्प है सभी से। तो कहने का तात्पर्य है, प्रश्न है पेशी संकुचन, जो पेशियां आपकी मुड़ती हैं, फैलती हैं, मुड़ती हैं, सिकुड़ती हैं, इनके लिए ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो आपको पता है ऊर्जा जो संचित रहती है हमारे शरीर में माइटोकांड्रिया के अंदर, एटीपी के रूप में संचित रहती है। किस रूप में संचित रहती है? एटीपी। तो इसे जब जरूरत पड़ती है तो पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा इसी एटीपी से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट से। तो इसमें तीसरे नंबर का विकल्प एटीपी सही है, यो सही है। तो कहने का तात्पर्य पेशी संकुचन के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो एटीपी से प्राप्त होती है, सी नंबर का एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट वाला विकल्प सही है। अगले प्रश्न पे आइए। साइनेप्टिक घुंडियां होती हैं, साइनेप्टिक घुंडियां, ये साइनेप्टिक घुंडियां होती हैं। विकल्प आपके सामने दिया है, पेशी ऊतक में, तंत्रिका कोशिका में, अस्थि में, उपास्थि में।
तो सैनेप्टिक घुंडियां आपको पता होना चाहिए, जो आपके तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें जो एक्सोन होता है, क्या होता है, एक्सोन जो होता है, उन एक्सोन में लंबी धागे जैसी संरचना निकली होती है, और उनके ऊपर पिछले वाले बिंदु पर घुंडी जैसी संरचना होती है, इन्हीं को हम सैनेप्टिक घुंडिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के सैनेप्टिक घुंडियों का जो संबंध है वो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। किससे संबंध है? तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका वाला विकल्प किस नंबर पे है? तीसरा। ये है आपका तीसरा, सॉरी दूसरा, बी, तंत्रिका कोशिका में। तो ये सैनेप्टिक घुंडियां कहाँ पाई जाती हैं? तंत्रिका कोशिका में। सैनेप्टिक घुंडियों का जो संबंध होता है वो नर्वस सिस्टम से होता है, तंत्रिका तंत्र से होता है, इसलिए ये जो सैनेप्टिक घुंडियां होती हैं ये तंत्रिका कोशिका में पाई जाती हैं। इसमें बी नंबर का, दूसरे नंबर का, तंत्रिका कोशिका में ये वाला विकल्प सही है। आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशी ऊतक का कार्य है, जो पेशी ऊतक हमारे बॉडी के अंदर जो मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, पेशी ऊतक पाए जाते हैं, इनका हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, ये किस कार्य में हमारी मदद करते हैं, या इनकी क्या भूमिका होती है हमारे शरीर में? पेशी ऊतक का कार्य विकल्प है गति, वृद्धि, जनन, सुरक्षा। गति, वृद्धि, जनन और सुरक्षा। तो सुरक्षा, जनन और गति, वृद्धि, वृद्धि, जनन और सुरक्षा, इन तीनों से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है, पेशी जो ऊतक होते हैं इनका सीधा तात्पर्य हमारे मोशन से होता है, गति से होता है, हमारे शरीर में गति से। तो पहले नंबर का ए विकल्प सही है, पेशी ऊतक का कार्य गति करना है, हमारे शरीर में जो गतियां होती हैं गति। तो इन चारों विकल्पों में पहले नंबर का पेशी ऊतक का कार्य क्या करना है? गति करना। तो ये गति ए नंबर का विकल्प सही है। आइए एक बार शुरू से देख लें। पहला प्रश्न है, पौधे की मोटाई में वृद्धि का कारण? उत्तर कैम्बियम, डी वाला विकल्प सही। तंत्रिका ऊतक का कार्य, तंत्रिका ऊतक का कार्य ए नंबर का विकल्प संवेदना ग्रहण करना। पेशी संकुचन के लिए ऊर्जा, तीसरे नंबर का एटीपी। साइनेप्टिक घुंडिया, दूसरे नंबर का तंत्रिका कोशिका में। और पेशी ऊतक का कार्य, पहला नंबर पर ए विकल्प गति सही है। तो इस तरीके से आपके सामने हमने पांच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को एकदम विस्तार से समझाया। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन अवश्य दबाना, ताकि इससे अगला लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। एक बार में न समझ में आए तो ये क्या, दो बार देखने का प्रयास करें। प्लीज़ लाइक।